दोस्तों, किसी भी देश की वायुसेना यानी कि एयरफोर्स उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि युद्ध के समय एयरफोर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो एयरफोर्स की ताकत ही जो है सुनिश्चित करती है कि युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस देश की एयरफोर्स कितनी ज़्यादा कैपेबल है और क्यों। दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों देशों की एयरफोर्स के फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम दोनों देशों की एयरफोर्स के इतिहास, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, अवाक्स, टैंकर एयरक्राफ्ट, यूएवीज और दोनों देशों की एयरफोर्स के कुछ ऑपरेशन एंगेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमेश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सेनेटॉक में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की यानी कि चीन की वायुसेना के बारे में। दोस्तों, चीन की वायुसेना का गठन आज से लगभग 70 साल पहले 11 नवंबर 1949 को किया गया था। चीनी वायुसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना का ही एक अंग है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ही आदेश मानती है। चीन की एयरफोर्स में लगभग 3,98,000 एक्टिव पर्सनल हैं और लगभग 2800 से 3,000 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार चीनी वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना है और चीनी एयरफोर्स के चीफ हैं जनरल डिंग लाईहैंग। वहीं अगर बात करें भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना आज से लगभग 87 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म फोर्स का ही एक अंग है, जो कि भारत के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। भारतीय वायुसेना में करीब 1,39,000 एक्टिव पर्सनल और लगभग 1,40,000 रिजर्व पर्सनल है और इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 2,000 से लेकर 2,200 तक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। दोस्तों, किसी भी देश की एयरफोर्स के प्रमुख हथियार उनके फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो कि युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहकर दुश्मन सेना का मुकाबला करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इन दोनों देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं और आपको ये भी बता दें कि ये सभी आंकड़े ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाइनीज एयरफोर्स के पास हर एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक अलग एयरक्राफ्ट है, पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने हर एक एयरक्राफ्ट को मल्टीरोल बनाया है ताकि जरूरत के समय एक ही एयरक्राफ्ट अलग अलग तरह के मिशन को पूरा कर सके। इसलिए यहाँ चाइनीज एयरफोर्स के पास क्वांटिटी है तो वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स के पास क्वालिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटैक एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट की। इसमें अगर बात करें चाइनीज एयरफोर्स के अटैक एयरक्राफ्ट की, तो चीनी वायुसेना के पास लगभग 230 अटैक और बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें जियान JH-7, H-6, नानचेंग Q-5 जैसे अटैक और बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं भारतीय वायुसेना अलग से किसी भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती है और इस काम के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने मल्टी रोल अटैक एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल करती है, जिनमें भारत के पास लगभग 150 की संख्या में मल्टी रोल अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें सपेकेट जैगवार और अपग्रेडेड मिराज 2000 शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों देशों की फाइटर एयरक्राफ्ट की। इसमें अगर बात करें चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो चीनी वायुसेना के पास लगभग 1200 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें चेंगड़ू J-7, सिनियांग J-8, चेंगड़ू J-10, सिनियांग J-11, सिनियांग J-16, SU-27, SU-30 MKK और SU-35S जैसे फोर्थ और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अलावा चेंगड़ू J-20 जैसा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो वहीं भारत के पास लगभग 580 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें MiG-21 वाइसन, मिराज 2000, MiG-29 UPG, SU-30 MKI, डसॉल्ट राफेल और भारत का स्वदेश निर्मित HAL तेजस जैसे दुनिया की कुछ एडवांस और बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और ये सभी एयरक्राफ्ट युद्ध में खुद को एक बेहतरीन फाइटर्स के रूप में साबित भी कर चुके हैं। दोस्तों, अब आपको दोनों देशों के हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताते हैं।
यहाँ चीनी एयरफोर्स के पास करीब 911 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें चेंगी Z-11, हार्विन Z-9 और MI-17 जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं और 240 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनमें CAIC WZ-10, चेंगी Z-11 और हार्विन Z-19 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो वहीं भारत के पास भी करीब 722 की संख्या में हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें HAL ध्रुव, HAL चेतक, HAL चीता और MI-17 जैसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अलावा CH-47 चिनोक और MI-26 जैसे हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। और भारतीय वायुसेना के पास करीब 35 से 40 की संख्या में अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं, जिनमें AH-64E अपाचे, MI-24, HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और HAL रुद्र ऐसे अपने देश में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। तो दोस्तों, चीन के पास करीब 193 की संख्या में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें सैनसई Y-8, सैनसई Y-9, जियान Y-7, जियान Y-20, IL-76 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं भारत के पास 250 से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लो मास्टर 3, इल्यूजन IL-76 गजराज, एंटोनोव AN-32, डोनियर DO-228, बोइंग 737 और HS-748 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, अब आपको दोनों देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अवाक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी देते हैं। चीन की वायुसेना यहाँ KJ-200, KJ-500, KJ-2000 जैसे अवाक्स और इसके अलावा TU-154 और Challenger-850 जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। वहीं भारतीय वायुसेना स्वदेश निर्मित DRDO नेत्र EMB-145 और A-50E/I जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के अलावा गल्फ स्ट्रीम 3 और गल्फ स्ट्रीम Z-100/1125 अस्त्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों देशों में इस्तेमाल होने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट और UAVs के बारे में। तो चीन की एयरफोर्स में HY-6U और IL-78MP जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट और चेंगडू क्लाउड शैडो, चेंगडू विंगलूंग और जायंट ईगल जैसे UAVs हैं। तो वहीं भारत के पास भी IL-78MKI जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट और Aeron-1, Searcher-2, DRDO लक्ष्य जैसे UAVs मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दोनों देशों के एयरफोर्स के कुछ बड़े एयरफोर्स एंगेजमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर चीन की, तो चीन की वायुसेना अभी तक किसी भी बड़े ऑपरेशन में शामिल नहीं हुई है। हालांकि फिर भी चाइनीज एयरफोर्स कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और सीनो वियतनामीज वॉर जैसे ऑपरेशन में इंगेज रही है। तो वहीं भारत की वायुसेना ऑपरेशन के मामले में चीन से कहीं आगे है। अगर इंडियन एयरफोर्स के कुछ बड़े ऑपरेशन के बारे में बात की जाए, तो इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड वॉर 2, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, कांगो क्राइसिस, ऑपरेशन विजय, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पोमलाई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल वॉर 1999 और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशन में खुद को साबित भी कर चुकी है। यानी कि एयर ऑपरेशन के मामले में भारत चीन से कहीं आगे है और भारत के पास एयरफोर्स ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, जेता भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना के बीच कंपैरिजन, अगर आपको इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच कंपैरिजन देखना है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के अटैक और फाइटर एयरक्राफ्ट का चाइनीज अटैक और फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एक फुल हेड टू हेड कंपैरिजन देखना है, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सैनिटॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।